खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। रविवार को जननायक जनता पार्टी के बरोदा हलके के कार्यकर्ताओं की मीटिंग नए बस स्टैंड के पास भूपेंद्र मलिक के कार्यालय पर हुई। मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पहुंचे। डॉक्टर बांगड़ ने कहा कि बरोदा विधानसभा से उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की। हमने लोगों के बीच में जाकर जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। भूपेंद्र मलिक ने भी आए हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पदम सिंह दहिया, भूपेंद्र मलिक, सुरेंद्र रुखी, रामचंद्र देशवाल, कुलदीप मलिक, जुगती राम, जॉनी लठवाल, डॉक्टर रामेर राठी, रघुवीर जागसी, अमित मोर, अशोक मोर, राम प्रसाद शर्मा, मोनू शर्मा, प्रदीप बड़वासनी, वीरेंद्र मलिक, प्रदीप मलिक, प्रकाश बरोदा, सोनू बांगड़, सतवीर मलिक, सरोज कमलेश, संजय कुंडू, सुरेंद्र महरा व मास्टर प्रकाश आदि मौजूद रहे। K9 मीडिया के लिए गोहाना से अमित के साथ नवीन की रिपोर्ट। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर KC बांगड़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वो धुर विरोधी रहे हैं और अब ही नहीं आने वाले समय में भी वो कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गोहाना, सोनीपत और आसपास के क्षेत्र समेत उन्होंने कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने का काम किया है। जाहिर है उस बात के लिए तो हम भी इस बात को कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करेंगे और जो भी कार्यकर्ताओं के जो कोई निजी काम है या कोई गांव का या कोई इलाके का कोई सामूहिक काम है उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएंगी कि हम किस तरह से हम जो ने अपने इलाके का को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, ये सब बातें कार्यकर्ताओं से साझा की जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि जिस JJP पार्टी ने जो है BJP के खिलाफ चुनाव लड़ा, आज वही पार्टी जो है हमने तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, BJP से कम लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा लड़ा, क्योंकि इस इलाके में हमारी लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा से थी, कांग्रेस BJP तो कहीं थी नहीं। हमारी लड़ाई तो आज भी और आने वाले अगले समय में भी कांग्रेस को बता देना है, हमारी अगली लड़ाई भी कांग्रेस के खिलाफ है और आज भी कांग्रेस के खिलाफ है और पिछली लड़ाई भी कांग्रेस के खिलाफ थी। रोहतक सोनीपत जिले में हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, खिलाफ है और खिलाफ रहेगी। नहीं, रोहतक सोनीपत जिले की बात अगर छोड़ दे, पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में भी क्योंकि कोई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं होती लड़ाई, लड़ाई हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ता है, अपने लिए वोट मांगता है और हर अपने विपक्ष के अपने साथी को क्रिटिसाइज करता है। ये नहीं कि हमने कांग्रेस को गले लगा करके चुनाव लड़ा है, कांग्रेस को भी गलियां दे करके चुनाव लड़ा है, ठीक है ना। और गठबंधन देश प्रदेश में होते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी जगह जगह के ऊपर गठबंधन कर रही है, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़के नहीं आती क्या? अपने गृहमान में झांक करके देखे पहले, दूसरों पर लांछन लगाने से पहले। कांग्रेस पार्टी के 6 जगह सरकारें हैं जो गठबंधन की सरकारें हैं और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ करके उन्होंने सरकारें बनाई हैं। तो कांग्रेस पार्टी दूध की धुली नहीं है, जो आदमी खुद जिस रास्ते से गुजर चुका हो उस रास्ते पर दूसरे चलने वाले को गालियां नहीं देते।